हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए आज हम इंग्लिश में एक नया अल्फाबेट लर्न करते हैं, कर्सिव अल्फाबेट वी। ओके फ्रेंड्स, लास्ट हमने कर्सिव कौन सा लिखा था? यू। आज हम लिखेंगे वी। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा देती हूँ। वी से क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्लावर वाज। हम इसमें क्या रखते हैं? फ्लावर रखते हैं, है ना? सो वी फॉर वाज। अभी देखिए ये मेरे पास क्या है? वेजिटेबल्स। अभी तो याद है ना, वेजिटेबल्स की थीम भी मैंने आपको करवाई थी सब। तो वी फॉर वेजिटेबल्स, और वी फॉर वैन भी होता है। आप लोग स्कूल में वैन में आते हो, सो वी फॉर वैन भी होता है। वी फॉर वल्चर, बर्ड का नाम है वल्चर, वो भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया आपको? अभी मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। देखिए ये मेरे पास फ्लावर है, हम पहले फ्लावर में लिखेंगे। पहले मैं आपको सिखाऊंगी कैपिटल कर्सिव वी। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से ऐसे टर्न करके आपको ऐसे कव करना है। तो ये बन गया हमारा कैपिटल कर्सिव वी। अभी देखिए मैं आपको स्मॉल वी बनाना सिखाऊंगी। स्मॉल वी भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे वी बनाएंगे और छोटा सा ऐसा कर्व करेंगे। तो ये बन गया हमारा स्मॉल वी। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं आपको बुक में लिखना सिखाऊंगी। ये आपकी फोर लाइन वाली बुक है, तो फोर लाइन वाली बुक में हम कैसे लिखेंगे आप अच्छे से देखना। ये ब्लू लाइन से आपको स्टार्ट करना है। तो ये यहाँ से आप ऐसे टर्न करेंगे, ऊपर रेड लाइन को टच करेंगे, फिर नीचे आएंगे ब्लू लाइन से, रेड लाइन को टच करके ऐसे कर्व बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा कैपिटल कर्सिव वी। अभी स्मॉल कर्सिव वी हम बनाएंगे। तो देखिए स्मॉल कर्सिव वी हम दो ब्लू लाइन के बीच में ही बनाएंगे। तो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे वी बनाएंगे और छोटा सा कर्व। तो ये बन गया हमारा स्मॉल कर्सिव वी। दिस इज अ कैपिटल कर्सिव वी एंड दिस इज अ स्मॉल कर्सिव वी। तो अभी फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया कि मैंने आपको लिखना सिखाया हो। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको ऐसी वर्कशीट भेजूंगी, तो उसमें आप मुझे अच्छे से वर्क करके भेज देना और फोटोज सेंड कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।